हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रियास यमी कॉर्नर। आज मैं आप सभी के लिए बनाने वाली हूँ वेज मेयोनीज सैंडविच। हम बहुत सारी वेजिटेबल्स लेने वाले हैं, ये हमारे टेस्ट को तो बढ़ाएंगे ही, साथ ही हमारे हेल्थ को भी बहुत अच्छा रखेंगे। तो मैंने यहाँ पर लिया है ऑनियन, कैप्सिकम, टोमेटो, कैबेज, कैरेट एंड कुकुम्बर। एक मिक्सिंग बाउल लेंगे, उसमें एक एक करके सारी वेजिटेबल्स डालते जाएंगे। तो इसमें जाएगा सबसे पहले टमाटर, शिमला मिर्च, प्याज, खीरा, गाजर और पत्ता गोभी। मैंने हरी मिर्च भी ली है, दो हरी मिर्च मैंने फाइन चॉप कर लिया है, इसे भी डाल देते हैं। और थोड़ा सा हरा धनिया भी चॉप करके हम डाल देंगे। सभी को मिक्स कर देंगे, साथ ही इसमें कुछ मसाले डालेंगे। चाट मसाला 1 चम्मच, थोड़ा सा ब्लैक पेपर, काली मिर्च, थोड़ा सा नमक, नमक कम ही यूज़ करना है क्योंकि चाट मसाला में भी नमक है। और इसमें जाएगा 3 चम्मच मेयोनीज़, मेयोनीज़ में भी नमक है तो थोड़ा सा नमक डालेंगे। सभी को मिक्स करेंगे, आप हाथों की मदद से भी बढ़िया से मिक्स कर सकते हैं। मेयोनीज़ थोड़ा कम लग रहा है, मैं इसमें 1 चम्मच मेयोनीज़ और डालूंगी। अब सभी को मिक्स कर लेंगे। सारी चीज़ें बढ़िया से मिक्स हो गई हैं, लेते हैं ब्रेड, इसमें लगाएंगे मक्खन, खूब सारा मक्खन लगाएंगे। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हैं, तो पूरे ब्रेड में हम मक्खन लगा देंगे। बटर लगाने से होता क्या है, जब इसमें ग्रीन चटनी या टोमेटो सॉस डालते हैं तो ये ब्रेड इसे एब्जॉर्ब नहीं करता है। ग्रीन चटनी की रेसिपी आप मेरे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। इसके ऊपर हम लगाएंगे वेजिटेबल्स प्लस मेयोनीज़ जो हमने मिक्सर बनाया था। ब्रेड के दूसरे साइड भी हम बटर लगा देंगे और इसमें लगाएंगे टोमेटो सॉस। एक साइड हमने ग्रीन चटनी लगाया था और एक साइड टोमेटो सॉस। इसको इसके ऊपर आराम से लगा देंगे, थोड़ा सा प्रेस करेंगे, ज़्यादा ज़ोर से नहीं दबाना है, नहीं तो सारी वेजिटेबल्स बाहर आ जाएंगी। इसमें भी हम लगाएंगे बटर। बटर टेस्ट तो बढ़ाएगा ही, ब्रेड को जलने भी नहीं देगा और हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। तो पूरे ब्रेड में हम बढ़िया से स्प्रेड कर देंगे। इसके बाद हम लेंगे एक सैंडविच मेकर। आपके पास सैंडविच मेकर ना हो तो आप तवे पर भी सैंडविच बना सकते हैं। मैं आपको तवे पर भी सैंडविच बना के दिखाऊंगी। इसके ऊपर से भी हम लगाएंगे बटर ताकि ब्रेड जले नहीं। इसके बाद हम फ्लिप करके दोनों साइड से सेंक लेंगे। 1.5 से 2 मिनट तक हम दोनों साइड सेंक लेंगे। और ये देखिए, हमारा सैंडविच बनकर तैयार है। अब मैं आपको तवे पर सैंडविच बनाकर दिखाती हूँ। एक तवा लेंगे, गरम करेंगे, इसमें डालेंगे थोड़ा सा बटर या घी भी यूज़ कर सकते हैं आप। और इसके बाद हम इसके ऊपर रखेंगे सैंडविच। सेम मैंने इसमें फिलिंग करी है जो पहले किया था, और इसे थोड़ा सा दबा के चारों तरफ से बटर लगा के सेंक लेंगे। सेम फ्लिप करके दूसरे साइड भी हम सेंक लेते हैं। और एक शार्प नाइफ की मदद से आप इसे कट करके सैंडविच का शेप दे सकते हैं। तो लीजिए, दोनों तरह से हमारे सैंडविच बनकर तैयार हैं। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए और कैसा बना है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।